आप सब लोग अमीर घर के सफाइयत से होंगे और खूब मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खूब मजे में हूँ। और सुबह के 7 बजे हैं जी, और मैं बना रही हूँ जी चाय और साथ में गर्म कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में हम क्या करेंगे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी आलू गोभी और कीमा। ये रात को मैंने बनाया था लेकिन कीमा डाल लिया है तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खा रहे इसको, तो मैं इसको बच्चों को खिला के देखूँगी, अगर खा लेंगे तो फिर अंडा वगैरह बना के देना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे जी मियाँ साहब का जो है वो लंच तैयार हो रहा है, वो सिर्फ चाय पी के तो जा रहे हैं शॉप पे। 7 बजे मियाँ साहब जो है वो शॉप पे चले जाते हैं, तो उनके साथ ही जो है बच्चे भी चले जाते हैं स्कूल। स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं आपको पता ही है, तो फिर मियाँ साहब वहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं 10-11 बजे। वो कहते हैं मैं नाश्ता कर लेता हूँ, फिर शाम तक भूख नहीं लगती, रात को 8 बजे वापस आते हैं, तो इसलिए वो साथ लेके जा रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद वो लेके जा रहे हैं। तो ये देखें जी इसमें आलू गोभी मैंने डाल दी, मैंने कहा शायद डब्बे में डब्बा आ ही जाए लेकिन नहीं आया जी। तो व्यूअर्स मियाँ साहब जो हैं वो शॉप पे जा चुके हैं और मैं जो हूँ बनाने लगी हूँ नाश्ता अम्मी अबू के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बनाना नाश्ता। और अभी टाइम हो गया है जी 7:10 हो गए हैं 7 बज के, और नाश्ता जो है अम्मी अबू भी टाइम पर कर लेते हैं, वो सादा रोटी खाएँगे तो उनके लिए मैं सादा रोटी रेडी करूँगी, ठीक है। चले मैं आप से नाश्ता बना के तो फिर आप से मिलती हूँ, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि नाश्ता बना के तो फिर मैं जो है व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं फिर बने कि ना बने, बहुत ही रूटीन टफ थी आज की, काफ़ी काम पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं आज का व्लॉग जो है वो नाश्ते पे बना लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं पेड़े बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, तो अम्मी अबू के लिए सादा रोटी का पेड़ा बनाऊँगी और बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी चकोर पराठे। तो बस एक बच्चा स्कूल गया था, उसका पेपर था जमाल का, और हानिया और हादिया घर पर थी, तो फिर उन्होंने नाश्ता करना था। जो बेटा था वो सिर्फ दूध का गिलास पी के और साथ में बिस्किट खा के चला गया था, कह रहा था मम्मा मैंने आके तो फिर नाश्ता करूँगा सही से कि पराठा मैं आगे खाऊँगा, अभी मुझे भूख नहीं है। तो चले गए थे बच्चे, अब मैं जल्दी जल्दी से रोटी तैयार करूँगी और अम्मी अबू को देख के आऊँगी। तो आप लोगों के सामने जो मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ आज का भी लोग किस तरह मैं रोटी बनाती हूँ और किस तरह हमारे घर में किया जाता है नाश्ता जी। हमारे घर में बस यही नाश्ता किया जाता है, बस कभी कभार जो है बच्चे ब्रेड खा लेते हैं, बस महीने में 1-2 दफ़ा ही, नहीं तो बस ये पराठा और जो भी सालन बना होता है उसके साथ, नहीं तो फिर बच्चों को पसंद ना हो तो अंडा फ्राई कर देती हूँ। कोई स्पेशल वेशल नाश्ता नहीं होता, मिडिल क्लास फैमिली का बस यही रूटीन होता है ना, जो रात को बना वही सुबह को नाश्ता कर लिया और वही दोपहर को जो है अगर खाना हुआ तो खा लिया, हमारे यहाँ तो बस यही होता है। तो कभी दोपहर को भी बना लेती हूँ, अगर सालन वगैरह ख़त्म हो जाए तो फिर मैं दोपहर को भी रेडी कर लेती हूँ। वैसे भी आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी और हबस है कि किचन में जाने को दिल नहीं करता, दोपहर को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता मेरा, तो दम घुटना शुरू हो जाता है। मेरा किचन भी खुला है, इतना तंग नहीं है, पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो गर्मी क्यों लगती है। मैं दोपहर को किचन में बहुत मुश्किल से जाती हूँ। वैसे तो हम लोग जो हैं वो 11 बजे नाश्ता कर लें तो फिर रात को ही नाश्ता खाना खाते हैं, यानी कि 10-11 बजे नाश्ता कर लें फिर रात को खाना खा लिया, लेकिन अम्मी अबू जो हैं वो टाइम पे कर लेते हैं, फिर उनके लिए जो है वो लाजमी बनाना होता है 1-2 बजे ना, और फिर वो दोपहर को भी माशाल्लाह खा लेते हैं खाना और फिर रात को भी उन्होंने लाजमी जो है वो खाना होता है। तो बस रूटीन बनी होती है, आदत बन जाती है, जैसे कर लें वैसे ही। तो मैं तो ज़्यादातर जो है वो 10 बजे नाश्ता करूँ तो फिर रात को खाना खाती हूँ मियाँ साहब के आने पर ही। तो आप लोगों की क्या रूटीन है आप लोग भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोगों की रोटी कैसे बनती है, इस तरह गोल गोल बनती है कि अशकाल बन जाती है, अगर फ्रिज में ना रखा हो ना आटा तो फिर मुझसे भी अशकाल बन जाती है, कभी पाकिस्तान की और कभी इंडिया की, तो हो जाता है ऐसा कभी कभी, लेकिन अगर आटा फ्रिज में रखा हो तो फिर बहुत ही गोल बनती है, फिर कोई मसला नहीं आता रोटी बनाने में। और वैसे भी मैंने रोटी जो है बहुत छोटी होती बनाना शुरू कर दी थी, अभी मैं 7th क्लास में थी शायद जब से मैं रोटी बना रही हूँ ना, तो बहुत जल्दी मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी थी, अब बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी रोटियां बना ली हैं माशाल्लाह, सारी उम्र जो है वो रोटियां बनाते गुजर जाती है। औरत की बस ज़िंदगी यही है किचन से किचन तक, सारा दिन किचन में ही दौड़े लगी रहती हैं हमारी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपसे लाजमी कहूँगी शेयर कीजिएगा फ्रेंड के साथ फैमिली मेम्बर के साथ,
और लाइक भी लाजमी कीजिएगा, और अगर आप न्यू मेरे वीडियो पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। ठीक है जी, बहुत मेहनत से हम लोग व्लॉग तैयार करते हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट लाजमी किया कीजिए। और यहाँ पे जी मैं रोटी बेल रही हूँ, 3 रोटियाँ बनाऊँगी, 2 अम्मी के लिए, 1 नहीं 2 अप्पू के लिए, 1 अम्मी के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं 3 पराठे रेडी करूँगी, वो चकोर वाले, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ कि कैसे मैं जो है पराठे बनाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और देखना है कि मैं कभी कभी जो है वो चकोर पराठा कैसे बनाती हूँ। हर तरह का पराठा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर हैं पराठों की वीडियो, तो वहाँ पर आप जो है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये देखें रोटी बेली, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया, अगर घी लगा लिया तो क्या बात है, मेरे पास ऑयल था, ऑयल लगा लिया, इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया, और इसके ऊपर फिर मैंने ऑयल लगाया, थोड़ा सा आटा छिड़का, और फिर इसकी जो है इस तरह चार तहें लगा दी, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, इस तरह मैं 3 पराठे जो हैं वो रेडी कर लूँगी, और 3 हमारे लिए काफ़ी हैं, चारों के लिए, मेरे लिए, हादिया के लिए, जमाल के लिए, और हानिया के लिए। इब्राहिम कभी खाता है कभी नहीं खाता, तो वो दूध पी लेता है फीडर में, तो उसका यही नाश्ता होता है, बस जब भूख लगती है ज़्यादातर तो फिर रोटी खाते हैं, जब खूब भूख लगती है ना तो फिर रोटी खाते हैं, तो रोटी को मुंह नहीं लगाता, अभी छोटा है ना इब्राहिम, इसलिए। तो ये देखें फिर इस तरीके से आप बेलें बराबर सा उसको, तो ये चकोरी रहेगा, गोल नहीं होगा, इस तरीके से देखें जिस तरह मैं बेल रही हूँ, इस तरीके से बेल लें। तो मैं आपको इसको तवे के ऊपर डाल के भी दिखाती हूँ कि किस तरह का ये बनेगा। ठीक है, दूसरा पेड़ा मैं बेल रही हूँ, अब ये भी उसी तरीके से मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरीके से ऊपर ऑयल लगाया, थोड़ा सा आटा छिड़का, दोनों तरफ से फोल्ड किया, और जी ये देखें जी हो गया जी हमारा चकोर पराठा रेडी। इसके ऊपर ऑयल लगाना भूल गई थी, और कभी कभी ऐसे हो जाता है जल्दी जल्दी में। तो और मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कि आप लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की आदत सी हो जाती है, तो मैं उनको पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी जो है ज़िंदगी खुद गुजारें, और दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दें, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें, और यही आप लोगों के लिए बेहतर है, यही हमारे लिए बेहतर है। अब कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी एक दूसरे की ज़िंदगी में जो है इंटरफेयर करे। ठीक है जी, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारनी थी गुजारी है, दूसरों को भी गुजारने दें, मेरा जो है वो यही पैगाम है। बस कभी कभी जो इंसान है ना वो थक जाता है लोगों की बातें सुन सुन के, इग्नोर कर कर के, कब तक इग्नोर करेगा। मैं तो हूँ ना, मुझे होता है कि मैं इन सब की बातें जो हैं जो भी करते हैं बस लोगों को आदत होती है करने की कि इग्नोर कर दूँ, बस जब ना इग्नोर कर सकूँ तो मैं ऐसे चुप हो जाती हूँ, मुझे फिर गुस्सा तो आता है हर इंसान को, तो क्या किया जाए। तो जिनको आदत है ना एक दूसरे की बातें करने की, इधर से उधर लगाने की, उनको चाहिए कि ये सोचें कि आगे जाके हिसाब भी देना है अल्लाह ताला को, फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे, इधर की बातें उधर कर रहे होते हैं, उधर की इधर कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो ये देखें जी पराठा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है, यहाँ पे पराठे रेडी हो चुके थे, रोटियाँ भी रेडी हो चुकी थी, मैंने कहा साथ ही मैं जो है वो पराठे बना लेती हूँ, हादिया साथ साथ ही ना मैंने हादियों को भी दे रही थी रोटी जो है वो सही करके, अम्मी अबू के लिए हादिया दे आई थी, और ये बच्चों के लिए रेडी हो रही है, बच्चा स्कूल से आ जाएगा, बेटा मेरा स्कूल से आ जाएगा, फिर हम सब मिल के नाश्ता करेंगे। मैंने कहा अब गर्मी में जो पसीना तो आया हुआ है, चलो मैं ना सारी बना के रख लेती हूँ, तो ये 8 बजे थे तो 10 बजे तक वो वापस आ जाएगा, तो फिर हम नाश्ता करेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा पराठा बना है, और इसके बाल इतने मज़ेदार से होते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे तोड़ के नहीं दिखा रही क्योंकि मेरा कौन सा अब चैनल जो है वो कुकिंग का है, मैं किचन में दिखाती ज़रूर हूँ, पहले मैंने कुकिंग का ही बनाया था लेकिन फिर मैंने जो है इसको चेंज किया है, तो बताइएगा चेंज कैसा लगा है। ठीक है जी, और कुकिंग तो माशाल्लाह आजकल हर कोई कर लेता है, इंटरनेट का दौर है, कोई चीज़ ना आए फटाफट से निकालो यूट्यूब से और देख लो, तो चीज़ जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती है, अब तो किसी से भी पूछने की बात ही नहीं होती ना, जो भी पकाना हो देखना हो यूट्यूब निकालो और देख लो। तो ये देखें जी पराठा मैंने इस पर जो है वो लो आँच कर दी हुई है ताकि अच्छे से जो है वो सीख सके बन सके, और जी ये मैं पराठा बना रही हूँ सादा, इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी, बल वाला है लेकिन चकोर नहीं है, तो 2 मैंने बल चकोर बनाए, 1 मैंने फिर बल वाला बना दिया था, मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ।
तो जमाल जो है वो ये पसंद करता है, तो उसके लिए मैंने ये बना लिया था। और दोपहर को मैं आज क्या बनाऊंगी, अभी तक कुछ नहीं सोचा कि खाने में क्या बनाऊंगी, आलू गोभी ही चलेगी या कुछ और बनाऊंगी, कोई पता नहीं है। हम लोग तो 10 बजे नाश्ता करेंगे, बच्चे आएंगे स्कूल से, तो बच्चे बार बार क्या हो रहा है, एक बच्चा स्कूल गया हुआ है, बाकी 2 घर पे ही हैं। तो जमाल आएगा स्कूल से, फिर हम नाश्ता करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि हम नाश्ते में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा हम लोगों का नाश्ता होता है जी। तो मुझे लगता है हम जो है मिडिल क्लास फैमिली है, ऐसी हम जैसी फैमिली है, उनका यही नाश्ता होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर ब्रेड और अंडे इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर यही होता है जो बनना है उसी से खा लो। और ये मेरा नाश्ता है, आधा पराठा ले आई हूँ, ऊपर मैंने आलू कीमा और गोभी डाल ली है, और उसके साथ ये मेरा चाय का मग है, ये मैं जो है वो नाश्ता कर रही हूँ, बच्चे भी अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो आज का जो है व्लॉग इतना सा ही था, काफ़ी मैंने आप लोगों से शेयर कर ली है अपनी बातें, तो बहुत ही मज़ेदार सा सालन बना था, मुझे तो बहुत पसंद आया था, लेकिन बच्चों को नहीं इतना पसंद आया, वो अंडे फ्राई करके तो खा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आज के व्लॉग का जो है एंड करूँगी, इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, नई जो है वो बातों के साथ। और मुझे जो है वो बहुत मज़ा आता है आप लोगों से बातें करने का, अपना अपना सा लगता है यूट्यूब अब तो, अपना अपना सा है तो अपना अपना बन के भी दिखाए यूट्यूब नहीं माशाल्लाह आप सारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सारे फ्रेंड मुझे मिले हैं, बहुत सारी इसमें मुझे जो है वो अच्छी बातें सीखने को मिलती है। इसके साथ ही अल्लाह